आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर उड़द दाल मिक्स। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दाल बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मसूर दाल, उड़द दाल, आलू, टमाटर, हरी मिर्च की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले कुकर में तेल डालेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम सब मसालों को इकट्ठा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक को एक कटोरी में ले लेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें जीरा और हरी मिर्च डालेंगे। जीरा और हरी मिर्च हल्का सा लाल होने पर अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जो हमने कटोरी में मसाला लिया था वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसे चलाएंगे। एक दो मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर भूनेंगे। अब हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें मसूर दाल और उड़द दाल डालेंगे। अब इसमें हम दाल के साफ का पानी डालेंगे। मैंने एक कटोरी दाल और दो गिलास पानी डाला है, आप अपने हिसाब से पानी लीजिएगा। अब हम ढक्कन लगाकर दो से तीन सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो लीजिए अब हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला और हरी धनिया डालेंगे। तो अब दाल को सर्व करते हैं। अब आप इस दाल को रोटी या चावल के साथ एंजॉय कीजिए और इसी तरह दाल बनाएं, लंच या डिनर में खाएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। Thanks for watching my video.